सिंड्रेला पांचवी बार गर्भवती थी और एक सरकारी अस्पताल में अपनी पांचवी संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले सिंड्रेला की चार बेटियां थी। डिलीवरी रूम के बाहर सिंड्रेला की सास मधुबाला और पति रोहन बेसब्री से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिंड्रेला की डिलीवरी हुई, तब नर्स मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से बाहर आई और बधाई देते हुए सिंड्रेला की सास मधुबाला से बोली, बधाई हो आंटी जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। नर्स के बात सुनते ही मधुबाला का सर चकरा गया। हाय मेरी फूटी किस्मत, फिर से एक और लड़की। अरे बेटा रोहन, तेरी पत्नी है ये लड़कियाँ पैदा करने की मशीन। पहले से ही चार लड़कियाँ मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा की है, अब एक और ले आई। तुमने सही कहा माँ, अब मैं इन पांच लड़कियों को पालूंगा कैसे, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा मेरी मान, इस कलमुही सिंड्रेला और उसके पांच बेटियों को यही छोड़कर यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों माँ बेटे सिंड्रेला को उसके नवजात बच्ची और बाकी की चार बेटियों को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ देर में जब सिंड्रेला को होश आया तो वो अपनी नवजात बच्ची को देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन पांचवी बार बेटी होने के कारण अपनी सास और पति के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी नर्स सिंड्रेला के होश में आते ही उसके चार बेटियों को लेकर उसके पास आई। नर्स, मेरे पति और सास कहाँ हैं? वो नहीं आए, वो तो बिना बताए ही कब के यहाँ से चले गए हैं। ये सुन सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। फिर दो दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंड्रेला गोद में अपने नवजात बच्ची और बाकी चारों बेटियों को लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ आपकी बहू सिंड्रेला। तभी गुस्से से मधुबाला दरवाजा खोलते हुए बोली, क्यों रे यहाँ क्या करने आई है? मेरे बेटे ने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से अपने इन पांचों बोझ के गठरी को लेकर। माँ जी ऐसा मत बोलो, मैं अपनी पांच बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं जाकर डूब मर, मुझे क्या, अब हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता, और तूने तो पांच पांच पैदा कर ली। मैं अब अपने बेटे रोहन की दूसरी शादी करूंगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। इतना बोलकर मधुबाला ने सिंड्रेला और उसके पांचों बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेचारी सिंड्रेला अपनी बच्चियों को लेकर शहर के पास ही एक छोटी सी बस्ती में टूटे फूटे घर में रहने लगी। अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिंड्रेला मेहनत मजदूरी करने लगी। सिंड्रेला अपनी पांचों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। धूप हो या छाव, वो दिन भर कड़ी धूप में काम करती ताकि उसके बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब सिंड्रेला की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला मजदूरी करने काम पर जा रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी दीपा बोली, अरे माँ इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया काम पर जा रही हूँ, आज मालिक ने काम पर जल्दी बुलाया है। माँ आज से आप काम पर नहीं जाओगी, अब आप घर पर आराम करो। नहीं बिटिया, मैं काम नहीं छोड़ सकती, इसी काम की वजह से तो मैं तुझे और तेरी बाकी बहनों को पाल पाई हूँ, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? घर अब से मैं चलाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप बस आराम कीजिए। सच बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ये कहते हुए सिंड्रेला ने दीपा को गले से लगा लिया। फिर शाम को सिंड्रेला अपनी बड़ी बेटी दीपा संग सब्जी लेने मार्केट जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली सरिता दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सिंड्रेला को ताने मारते हुए बोली, अरे कमला बहन, आज के जमाने में पांच पांच लड़कियां पालना कितना मुश्किल है, वो भी बिना बाप के। लड़कियां किसी बोझ से कम नहीं होती, तब
तभी तो इनके बाप ने इन्हें छोड़ दिया। खबरदार सरिता बहन, मेरी बेटियों को बोझ कहा तो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मेरी बिटिया बोझ नहीं है, मेरा अभिमान है, समझी तुम? माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया तब भी वो एक औरत का दुख न समझी, फिर वो इंसान नहीं। दीपक की बात सुनकर सरिता का सिर शर्म से झुक गया। सिंड्रेला को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। सिंड्रेला ने खूब मेहनत करके अपनी पांच बेटियों को शिक्षित बनाया था। सिंड्रेला की पांचों बेटियां संस्कारी होने के साथ साथ समझदार भी थी। ऐसी ही एक शाम सिंड्रेला की दूसरी बेटी मीरा जब घर आ रही थी, तभी बस्ती के कुछ आवारा लड़के बीच चौराहे पर खड़े थे। तभी उनमें से सूरज नाम का एक लड़का मीरा को देखते ही उसे छेड़ने लगा। अरे अरे जरा इधर भी नजर डाल लो मैडम। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? सुन तो लो। उफ, सच में इस बस्ती में रौनक तो सिंड्रेला आंटी के पांच बेटियों ने लगा रखी है। कसम से पांचों एक से बढ़कर एक हैं। मन करता है पांचों में से किसी एक से शादी कर लूं। लेकिन मीरा सूरज की बातों को अनदेखा कर वहां से जाने लगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ मैडम, मैं तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, शादी कर लो मुझसे। मीरा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ये देख सूरज ने जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में सरिता वहाँ आई और सूरज को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ, तो इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? कल तक तो सिंड्रेला आंटी और इसकी लड़कियाँ तुम्हारी आँखों में चुभती थी। सरिता फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ क्योंकि तूने जो आज घटिया हरकत की है, तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जो तेरे जैसे लड़के को मैंने जन्म दिया। सच में सिंड्रेला बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसके घर बेटियों ने जन्म लिया। अब मैं जान गई, लड़कियाँ बोझ नहीं होती, बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ होते हैं समाज के लिए। हाय, मैंने तेरा नाम सूरज रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तेरा नाम राहु या केतु रखना चाहिए था। अरे माँ, गलती इसकी भी तो है, इतना मेकअप करके क्यों चलती है? क्यों, मेकअप करना क्या गुनाह है? मैं भी तो करती हूँ मेकअप। अरे शुक्र मना, इसने मुड़कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना सिंड्रेला दीदी की पांचों लड़कियाँ किसी शेरनी से कम नहीं है, समझा? इतने में सिंड्रेला भी वहाँ आ पहुँची। सरिता ने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए सिंड्रेला से माफी मांगी। फिर कुछ ही समय में अपनी पांचों बेटियों की बदौलत सिंड्रेला ने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और बस्ती छोड़ अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। फिर एक शाम एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजे पर आकर बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन सिंड्रेला एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर बाहर आई, और जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी सास मधुबाला थी। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैं आपकी बहू सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, माफ कर दे मुझे, तुम्हारे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दी। मेरी बेटी ने दूसरी शादी करके अपनी अमीर और घमंडी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, पहले आप अंदर चलिए, मैं आपको आपकी पांचों पोतियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सास मधुबाला को घर के अंदर ले आई और अपनी पांचों बेटियों से मिलवाया। सिंड्रेला की पांचों बेटियां अपनी दादी मधुबाला से मिलकर बहुत खुश हुई। इस बार मधुबाला ने रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लिया और उन सबसे माफ़ी भी मांगी। फिर सब कुछ भुलाकर सिंड्रेला ने अपने सास मधुबाला को माफ कर दिया। बहू, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? देखो आपकी पोतियाँ उदास हो गईं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर पर रहेंगी।
इस तरह मधुबाला अपनी बहू सिंड्रेला और उसकी पांचों बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी साधी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो आप भी इतनी सुंदर हो और मैं भी, फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती है, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा ये तू क्या कह रही है, तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है, एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरे कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पांव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ माँ कहाँ हो आप, जल्दी बाहर आओ। अरे निशा सोना तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ हम शॉपिंग करने गई ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है? माँ इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं, इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। तभी सोना रोते हुए बोली, निशा तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थीं, मुझे कोयला कह रही थीं। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थीं, तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा तुम गलत कह रही हो, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है, तुम दोनों तैयार रहना। माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी, उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ इसे तैयार होने की क्या जरूरत है, चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलूटी, मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते, तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई।
लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चिड़िया फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहां गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे तीन नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की तीन अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की तीन नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने तीन साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगी रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, और फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूं। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ, इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो, अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो, और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना, आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई।
काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आधे जादू सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादू सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया, लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो जादू साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया, मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। पर निशा तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो, इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है। परी दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा, साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए, आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वही सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है, आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे, मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन पुरानी बातों को भूल जा, अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा, अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अच्छा ठीक है, मुंह बाद में नोच लेना, पहले घर चल, माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई, लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश के सभी परियाँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी, नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डाइन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ, वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ,
तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अभिषेक परी खुशी खुशी डाइन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है, लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए परी देश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अभिषेक परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अभिषेक परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूं और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अभिषेक परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अभिषेक परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तो रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तो किसी काम की नहीं है, तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अभिषेक परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अभिषेक परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था। तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अभिषेक परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहां से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वी लोक पर छोड़कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वी लोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वी लोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुंच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी, मैं आपको जादुई दो लिपस्टिक देती हूँ जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, और मैं उस दुष्ट अभिषेक परी को नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी,
आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस भैरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई, अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों छोड़ दो इसे, मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई दो लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है।